तो फ्रेंड्स, फिनो पेमेंट्स बैंक ने भी अपने बीसी मर्चेंट के लिए पैन कार्ड की सर्विसेज को लाइव कर दिया गया है। अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की बीसी संचालक हैं तो आप अपने बीसी आईडी के मदद से किसी भी कस्टमर को पैन कार्ड बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैन कार्ड की जो सर्विस है उसे किस तरह से एक्टिव करना है और एक्टिव करने के बाद अपने कस्टमर को किस तरह से पैन कार्ड बना पाएंगे। पैन कार्ड सर्विसेज के लिए अपनी बीसी आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक पैन सर्विसेज का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे पहले ऊपर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है आपको पैन सर्विसेज को एक्टिव करने के लिए 299 रुपये का चार्ज आपको देना होगा जीएसटी सहित, यानी कि टोटल 299 रुपये आपको लगने वाला है। अगर आप इस सर्विस को लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पैन कार्ड सर्विस को एक्टिव नहीं करना चाहते, तो नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन मैं पैन कार्ड सर्विस लेना चाहता हूं, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। अब हमारे वैलेट से 299 रुपये का चार्ज कट जाएगा और पैन कार्ड की जो सर्विस है एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, न्यू एप्लीकेशन और चेक स्टेटस। अगर नया पैन कार्ड बनाना है तो न्यू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, यानी कि जो मोबाइल नंबर पैन कार्ड में कस्टमर लिंक कराना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर डाल के सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट नेम, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वॉकिंग का ऑप्शन आएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर ई पैन वाला सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो कस्टमर का पैन कार्ड बनेगा सिर्फ उनके ईमेल पर ई पैन कार्ड आएगा। लेकिन अगर आप दूसरी वाला एप्लीकेशन फॉर फिजिकल पैन वाला सिलेक्ट करते हैं तो कस्टमर के ईमेल पर भी पैन कार्ड आ जाएगा और जो फिजिकल पैन कार्ड होता है उनके घर पे भी आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो एक पैन कार्ड बनाने का शुल्क होगा 107 रुपये आपके आईडी से काटे जाएंगे, यानी कि पर पैन कार्ड पर 107 रुपये का आपको यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। अब यहाँ पर फाइनली प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सारे डिटेल्स कस्टमर को डालने हैं जिनका पैन कार्ड आप बना रहे हैं, जैसे कि उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका पूरा एड्रेस डालेंगे। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स आपको दिख रहा है इसको एक्सेप्ट करके और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद फाइनली ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ओटीपी। यहाँ पर जो कस्टमर का अपने मोबाइल नंबर दिया था उनके नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है, तो उस ओटीपी के यहाँ पर आप डालेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि यहाँ पर बायोमेट्रिक के द्वारा पैन कार्ड बनाया जाता है, यानी कि मात्र 2 से 3 घंटे में ही अपने कस्टमर को पैन कार्ड दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अभी पैन कार्ड नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है। लेकिन अगर आप यहां से प्रोसेस करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप पैन कार्ड बना पाएंगे। पैन कार्ड बनाने में आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पैन कार्ड बनाने की फुल प्रोसेस बताएंगे।